वालेकुम आज हम सिर्फ आधा लीटर दूध से ढेर सारी रसमलाई बनाएंगे इसको हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही स्पंजी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत कम मेहनत के साथ हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा बहुत ही अच्छा और बहुत जल्द बनने वाला है देखकर लगेगा कि बिल्कुल जैसे मार्केट से हमने लिया है ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इसको घर में बनाया है और इसको और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ बहुत ही सॉफ्ट है तो आप भी इस तरह से इसको बनाइएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और चढ़ा के सबसे पहले उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे दूध डालें तो दूध जले नहीं इसलिए हम पहले दो चम्मच करीब पानी डाल देंगे और हमने ले लिया एक कप आधा लीटर दूध से हमने बनाया है आप चाहें तो अगर ज़्यादा बनाना हो तो क्वान्टिटी डबल कर दें एक लीटर से बना लें हमने कप से माप किया है दो कप इसमें दूध डाल दिया है फुल फैट मिल्क है ये और उबला हुआ दूध है ये आप चाहें तो पैकेट वाले दूध से भी बना सकते हैं दूध में उबाल आ गया है अब हम इसको फाड़ेंगे तो उसके लिए हमने ले लिया है एक कटोरी और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस हमने डाला था और पानी डाल दिया था आधी कटोरी और करीब दो चम्मच इसमें हमने नींबू का रस डाला था और दोनों को मिला के फिर जब दूध में उबाल आने लगेगा तब तो हम इसमें डाल देंगे जो नींबू वाला हमने लिक्विड बनाया है उसको और फिर चलाते हुए इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे सारा जो छेना है हमारा बन के तैयार हो जाएगा और इसको हम फिर छान लेंगे किसी कपड़े में रखेंगे और कपड़े में रख के इसको छानेंगे और छान के फिर इसको हम जो साफ़ पानी होगा उससे धोएंगे जिससे जो इसमें खट्टापन होगा वो निकल जाएगा इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है फिर हम निचोड़ लेंगे बिल्कुल पानी उसका निकालना है हमको निकाल के फिर हम एक थाली में रखेंगे थाली में रख के इसको फैला देंगे आप चाहे तो इसको हाथ से इस तरह से कर सकते हैं या तो कटोरी से करेंगे तो बहुत कम टाइम और बहुत कम मेहनत लगेगा तो इस तरह से कटोरी से लगातार इसको दबा दबा के मसल लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट करना है एकदम जैसे बिल्कुल ये जो है मलाई की तरह हो जाएगा बिल्कुल स्मूथ इस, इस तरह से हमको इसको करना है तो ये करीब दो मिनट से तीन मिनट लगेगा बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फटाफट हो जाएगा अब हमको इसमें डाल देना है कॉर्न फ्लोर तो हमने इसमें पहले एक चम्मच भर के डाला था और उसके बाद थोड़ा सा और डाला है बस इतना ही हमको इसमें डालना है ज़्यादा डालेंगे तो बहुत हार्ड बनेगा इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि हमको इसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो थोड़ा सा आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं और फिर इसको हम इसको इस तरह से मिलाएंगे बिल्कुल जैसे रोटी का जो हम डो लगाते हैं वैसे इसको हम थोड़ा सा गूंद लेंगे और अच्छा सा सॉफ़्ट सा डो तैयार कर लेंगे और फिर हम इसका छोटा छोटा बॉल बनाएंगे आप चाहे तो गोला गोला इस तरह से जैसे लड्डू का शेप बनाते हैं उस तरह से भी इसका बॉल बना सकते हैं आप चाहें तो जैसे रसमलाई होती है उस तरह से भी इसको बना के चिपटा कर सकते हैं तो छोटा छोटा हम बनाएंगे क्योंकि जब ये हम इसको पानी में डालेंगे तो ये फूल के डबल हो जाता है इसलिए हम इसको पहले छोटा छोटा बनाएंगे जितना बड़ा भी आप इसको बनाना चाहें उतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं तो हमने बना के सारा रख लिया है इसमें करीब दस से बारह रस मलाई बन के तैयार हो गया था अब जबकि हम कुकर में बना रहे हैं तो हमने जिससे धूल नापा था उसी से हम इसमें दो कप पानी डाल देंगे दो कप पानी डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे चीनी तो दो कप पानी के हिसाब से हमने इसमें आधा कप चीनी डाला है थोड़ा सा पानी हमने इसमें और डाला था दो कप से थोड़ा सा और मतलब दो चम्मच और बस ज़्यादा नहीं तो मतलब आप इसको दो कप कह सकते हैं दो कप पानी और आधा कप चीनी डाल के इसका जो हम बना लेंगे एकदम पतली सी चाशनी और जैसे ही आने लगेगा फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने रसमलाई बना के रखी थी उसको एक का एक एक करके इसमें डालेंगे और डाल के फिर इसको खूब अच्छी तरह से पकाएंगे करीब तेज आज पे दो से तीन मिनट तक इसको तेज आज पे पकाना है और बहुत जल्दी ये डबल हो जाता है टाइम नहीं लगेगा तो पहले हम इसमें डाल देते हैं जितना हमने बना के रखा है उसको देखिए देखने में भी लग रहा है बहुत अच्छा तो थोड़ी देर में है ये डबल हो जाएगा आज को हमने तेज़ रखा है और तेज़ आज पे इसको पका लेंगे थोड़ा सा जब ये हार्ड हो जाएगा तब हम इसमें लगाएंगे सीटी तो पहले अभी हम ऐसे ही इसको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं हमने अभी कुकर पर सिर्फ ढक्कन रखा है सीटी नहीं लगाई है उसमें इधर हम तैयारी कर लेते हैं जो हमारी दबड़ी बनेगी उसकी बस एक कप हम इसमें दूध डालेंगे एक कप दूध से ही हम इसको बनाएंगे और एक पैकेट करीब चार से पाँच चम्मच इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे और डाल के फिर हम बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान तरीके से बहुत कम टाइम में रबड़ी बना के तैयार करेंगे आप चाहे तो सिर्फ दूध से भी रबड़ी बना सकते हैं क्वांटिटी डबल कर दीजिए और उसको देर तक पकाइए बहुत ही बेहतरीन से मई रबड़ी बन तैयार हो जाएगी लेकिन हम बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में बना रहे हैं तो हमने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है और उसको रख देते हैं इधर हम चेक कर लेते हैं जो हमारा रसमलाई बन के तैयार होने वाला था उसको चेक कर लेते हैं तो करीब तीन मिनट से चार मिनट हो चुका है इसको देख लेते हैं इसका जो साइज़ है वो डबल हो चुका है लेकिन अभी अंदर से नहीं पका है तो इसलिए हम इसमें सीटी लगा देंगे अगर आपको सीटी नहीं लगाना है तो और इसको कुछ टाइम तक पका लेंगे तो भी बन जाएगा तो हमने इसमें सीटी लगा दिया है और ढक्कन को बंद कर दिया करीब दो सीटी आएगी और इसको हम बंद कर देंगे तो हम जो है इसको बंद कर देते हैं इधर हम देख लेते हैं कड़ाही जो हमने दूध रखा था उसको और उसमें डाल देंगे जो मिल्क पाउडर का पेस्ट बनाया था उसको डालेंगे और डाल के फिर इसको पकाएंगे थोड़ी देर तो जितना इसमें लगा हुआ है जो हमने कप में घोला था मिल्क पाउडर उसमें थोड़ा सा दूध डाल के पूरा इसमें डाल देंगे इधर हमारी सीटी आने वाली है तो इसमें दो सीटी आ चुकी है प्रेशर अपने आप खुलने देंगे हम इसको खोलेंगे नहीं और हम तब तक, तक अपनी रबड़ी तैयार कर लेते हैं जरा सा हम इसमें डाल देंगे केसर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए और ज़रा सा हम इसमें चीनी डालेंगे करीब आधा चम्मच क्योंकि जो, जो हमने मिल्क पाउडर डाला है वो जो उसमें जो है चीनी मिली हुई होती है तो तो इसलिए हम इसमें थोड़ी सी ही चीनी डालेंगे और डाल के फिर उसको हम पकाएंगे बस दो मिनट लगेगा इधर हमारा जो रस मलाई के लिए हमने छेना रखा था वो बिल्कुल तैयार है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं देखने में बहुत सॉफ़्ट लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा बना है और बिल्कुल भी टूटेगा नहीं देख के लग रहा है कि टूट जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं हम इसको आपको एक बार दबा के भी दिखाएंगे कि टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है इसको निकाल के रख लेते हैं एक बाउल में इसका जो रस है उसको निचोड़ देना है इस तरह से जैसे मैंने इसमें करके दिखाया है बिल्कुल टूटने वाला नहीं है तो इस तरह से निचोड़ निचोड़ के सारा हम पहले किसी बाउल वगैरह में रख देंगे जिसमें आपको रखना है अब फिर ऊपर से हम डालेंगे जो हमने बना के रखा है रबड़ी उसको ऊपर से डालेंगे और डाल के फिर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें पिस्ता वगैरह डाल सकते हैं नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर दें और थोड़ा सा अगर आपको इलायची पाउडर पसंद है तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं हमने सारी रबड़ी इसमें डाल दी है और इसको रख दिया था करीब दो घंटे के लिए फ्रिज में और फिर इसको निकाल लेंगे सोक भी कर लिया है अच्छा खासा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बहुत ही बेहतरीन सा हमारा रसमलाई बनके तैयार है इस तरह से आप इसको बना के कभी भी खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यामी लगेगा आपको और बिल्कुल सॉफ्ट बहुत ही स्पंजी बनके तैयार होगा तो आप इस तरह से बनाइए खाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।